है न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। माफिया अदीक अहमद का रहस्य लोग देखकर हर कोई हैरान रह गया। करबला चकिया के पास मौजूद जिस अदीक अहमद के कार्यालय को खंडहर मानकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे, उसमें माफिया और उसके गुर्गे परिवार के साथ सभी लोग सुख भोग रहे थे। बता दें कि माफिया अदीक अहमद का रहस्य लोग देखकर हर कोई हैरान रह गया। करबला चकिया के पास मौजूद जिस अदीक अहमद के कार्यालय को खंडहर मानकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे, उसमें माफिया और उसके गुर्गे परिवार के साथ सब आराम की जिंदगी बिता रहे थे। दरअसल 1000 वर्ग क्षेत्रफल में बने आलिशान ऑफिस के अगले हिस्से को पीडीए ने 2017 में बिना नक्शा के निर्मित कराने के आरोप में ध्वस्त कर दिया था, लेकिन ऑफिस के कई कमरे पूरी तरह से सुरक्षित थे। इन कमरों में अतीक के करीबी परिवार के लोग ऐश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद असद भी यहां पर आया था और असहला और बैग छिपाकर फरार हो गया था। इसके बाद उसके कहने पर अतीक के गुर्गे ने कई और असहलों और नकदी को इसी खंडहर में छिपा दिया था ताकि किसी की नजर ना पड़े। मंगलवार को पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ के किचन में रोटी और सब्जी के साथ अनाज और दूध भी मिला, जो दूध एक दिन पुराना लग रहा था जबकि रोटी और सब्जियां करीब दो दिन पुराने दिखे, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ पर माफिया के लोग रहते थे। कमरों में पुरुष और महिलाओं के कपड़े, पैंट, टी शर्ट, शर्ट और साड़ियां और दूसरे कपड़े भी मिले, जिससे साफ जाहिर है कि अतीक के गुर्गे परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। सूत्रों के अतीक के आलिशान ऑफिस में ऐशो आराम के लिए कमरे भी बने हैं। बताया गया है कि माफिया के लोग इस कमरों में का इस्तेमाल मुजरा और नृत्य देखने के लिए करते थे। यहाँ पर शराब और शवाब दोनों का दौर चलता था। ऑफिस का हाल पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसके कवर्ड में अतीक अहमद ने सपा में रहने के दौरान चुनाव प्रसार के लिए छपवाए गए पर्चे और पैम्फलेट पड़े थे। बता दें कि अतीक अहमद के जिस ऑफिस में मंगलवार को छापा मारा गया, उसमें टॉर्चर रूम भी बनाया गया था। अतीक अहमद अपने विरोधियों को टॉर्चर करने के लिए इसी रूम का इस्तेमाल करता था। बताया गया है कि 2006 में उमेश पाल के अपहरण करके इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था, जहां अतीक के गुंडों ने ना सिर्फ उमेश की बेरहमी से पिटाई की थी बल्कि विद्युत चौक भी दिया था। इसके अलावा तमाम ठेकेदारों और दूसरे लोगों जो अतीक के खिलाफ थे, उन्हें यहां लाकर इसी टॉर्चर रूम में प्रताड़ित किया जाता था। अतीक अहमद के खंडर रुमा ऑफिस में सुरक्षित बचे कमरों में उसके करीबी परिवार के लोग रहते थे। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ उनके लड़के असद का भी आना जाना था। ऑफिस के जो कमरे सुरक्षित हैं, उनकी फर्श चमचमाते मिली, सोफे, कुर्सियां, टेबल और बेड चमचमाते मिले, जिससे जाहिर हुआ कि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। छापेमारी के पहले तक इसका इस्तेमाल बराबर किया जा रहा था। किचन में खाने पीने का सामान के साथ रोटी, सब्जी, दूध और अनाज और यहाँ तक कि सब्जियां भी रखी मिली। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।